वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए केमिस्ट्री करा रहे हैं, ठीक है। बीएससी पार्ट वन आपका फर्स्ट ईयर, और आपका सेमेस्टर भी इसमें कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। जिसमें हमने अब तक 3 यूनिट, एक से लेकर थर्ड यूनिट तक के जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमने सभी करवा दिए, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट तक करा दिए, ठीक है। आज का हमारा यूनिट है फिफ्थ, इस यूनिट का हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12th है, कह रहा है निम्न पर टिप्पणी कीजिए, राइट नोट ऑन फॉलोइंग, ठीक है। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, राइट ए नोट ऑन फॉलोइंग। पहला कह रहा है कार्बिन, मतलब कार्बिन क्या होता है ये आपको बताना है, नाइट्रीन क्या होता है ये आपको बताना है, और एरेंस, एरेंस को आप कहते हैं बेंजाइन, ठीक है। तो ये तीनों आपको बताना है कि ये तीनों आखिरकार क्या होते हैं, इनके बारे में आपको नोट लिखना है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उनको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में जो आज हम पढ़ रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर टिप्पणी, तो हमारा पहला है कार्बिन, हमें ये बताना है कि कार्बिन आखिर होता क्या है। तो कार्बिन देखो ये मुक्त मूलक ही टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन कैसा होता है, द्विसंयोजी, मतलब एक कार्बन होगा मुक्त मूलक ही होता है जिसपे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये क्या हो जाता है आपका कार्बिन, ठीक है, इसको कहते हैं द्विसंयोजक मुक्त मूलक। तो ये द्विसंयोजी मुक्त मूलक जिस कार्बन पे पाए जाते हैं उसी कार्बन हम कहते हैं कार्बिन, क्या कहते हैं, कार्बिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्बिन। अगली दो संयोजकता इसकी दो अन्य परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बिन की, ओके। चलिए तो ये आपका हो जाएगा कार्बिन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हो जाता है, इसके एक दो एग्जाम्पल भी हैं। पहला आपका ये है मैथिलीन, जो जिसपे एक लोन पेयर और दो हाइड्रोजन लगे रहते हैं, इसको हम कहते हैं मैथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है CCl2, क्या है सी, इस पर एक लोन पेयर और इसके पास दो Cl2, ठीक है, क्या है CCl2, डाइक्लोरो मैथिलीन, ठीक है, मैथिलीन और डाइक्लोरो मैथिलीन, या डाइक्लोरो कार्बिन कह लो इसको, ये कार्बिन हो जाएगा आपका, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं डाइक्लोरो सॉरी कार्बिन की। तो कह रहा है एक प्रकार के द्विसंयोजक मुक्त मूलक हैं, ये जो कार्बिन होते हैं वो क्या हैं, द्विसंयोजक मुक्त मूलक हैं, ठीक है, यानी कि फ्री रेडिकल। इनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का पी ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आपको एस ऑर्बिटल में देखने को मिल जाते हैं, तो कितने हो गए ये बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मीन्स अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो कम पड़ रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई अन्य परमाणु, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक करके दे सकता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये 2 हाइड्रोजन, तो इसी तरह से इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, 4 इसके खुद के होते हैं, 2 ये अन्य 2 परमाणु के साथ साझा करके 2 बंध बना लेता है, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में और शेष 2 इलेक्ट्रॉन sp2 संकरित ऑर्बिटल में होते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं वो कैसे होते हैं, युग्मों के रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, ये मान लो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने ये दूसरा बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों के साथ में, ये दोनों जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो कुल मिला के ये देखो, एक ये हाइड्रोजन का, एक ये कार्बन का, एक ये है कार्बन का, एक ये हाइड्रोजन का, तो ये कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में और 2 शेष इलेक्ट्रॉन sp2 संकरित ऑर्बिटल में रहते हैं, बकाया इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इसमें sp2 संकरित ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है। एक एक इसे एकक या सिंगलेट कार्बिन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, एकक या सिंगलेट कार्बिन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बिन हमारे 2 तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो इस वाले को हम क्या कहेंगे, सिंगलेट, क्या कहते हैं, सिंगलेट, singlet, ठीक है, ये हो गया आपका सिंगलेट। अथवा एकक इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग अलग असंकृत पी ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे ये देख लो अलग अलग अपने पी ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है, असंकृत यानी कि वो संकरण में भाग नहीं ले रहे होंगे, इसे
त्रिकक यानी कि ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट, TRIPLET। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट, जिसमें जो अलग अलग होंगे, जो पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आपके अलग अलग होंगे, जो अनहाइब्रिड होंगे, ठीक है, संकरण में भाग नहीं लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रिपलेट कहलाएगा। कह रहा सिंगलेट कार्बिन का, सिंगलेट कार्बिन का कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। जो सिंगलेट कार्बन था उसका कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। 3 sp2 ऑर्बिटल में से 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा 2 समूहों से जुड़े रहते हैं। अब इसमें जो 3 sp2 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 3 sp2 ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 3 sp2 ऑर्बिटल, ये आपका एस का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पी का हो जाएगा और ये आपका पी का हो जाएगा। 3 sp2 ऑर्बिटल हो गए आपके। तो कह रहा उसमें से 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा 2 समूहों से जुड़े रहते हैं, और उनमें से जो 2 होते हैं वो क्या कहते हैं? 2 अन्य परमाणुओं द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। एक sp2 संकर ऑर्बिटल में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में रहता है। अब देखो यहाँ पर एक जो बचा हुआ है ये sp संकरण, इसमें क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका प्रेजेंट रहता है, तथा असंकरित p ऑर्बिटल रिक्त रहता है। इसके बाद ये जो थर्ड ऑर्बिटल होता है p का, वो कैसा रहेगा? आपका वैकेंट रहेगा, ठीक है, BCNT वैकेंट। ये आपका s वाला है और p में 3 होते हैं, तो 2 में एक एक रहेगा और एक आपका p कैसा रहेगा? वैकेंट रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देखो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, तो ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया। अब ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन हमारा होता है sp2, ठीक है, क्या होता है? sp2 संकरित होता है। तो इस कार्बन का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अन्य परमाणुओं के साथ में, p ऑर्बिटल वाले 2 इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं के साथ में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपका क्या है? p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और s ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे? समान ऊर्जा का एक नया ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है, आणविक कक्षक। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? अन्य परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या कर लेंगे? बंध बना लेंगे, जो कि ये बंध आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अन्य परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, सॉरी कार्बन का, एक इसका, एक अन्य परमाणु का। अब बचा क्या? ये जो एस का, ये नया जो कक्षक बना था, अब इनके साथ कितने हो गए थे? इसमें तो ये एस वाले, ये एक और एक, ये जो खाली वैकेंट पड़ा हुआ था, ये आपका ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल आपका एक खाली है, और ये क्या है? आपका लोन पेयर, ये वाला है एस वाला, ठीक है। तो ये तो क्या बन जाएगा? कुल मिला के संकरण कौन सा हो जाएगा इस कार्बन पे? sp2 हाइब्रिडाइज। क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर मिल रहे हैं आपको, एक क्या मिल रहा है? लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर बराबर कितने हो गए? 3। तो 3 में क्या हो जाता है? आपका sp2 हो जाता है हाइब्रिड, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिड हो जाएगा किसका? sp2 यानी कि सिंगलेट कार्बिन का, ठीक है, एकक कार्बिन का। अगर हम बात करें थर्ड यानी कि ट्रिपलेट कार्बन की, तो इसमें सेम यही रहता है, लेकिन इसमें हो क्या जाता है? इसमें ये हो जाता है, जो अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं पी ऑर्बिटल के, ठीक है, ये तो ऐसा ऑर्बिटल के होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये पी ऑर्बिटल के होगा। अब देखो इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है, अभी तक हमने देखा था जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे हो रहे थे? वो हमारे इकट्ठे हो जा रहे थे, ठीक है, पी ऑर्बिटल के, सॉरी, ये आपके क्या कर रहे थे? बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे थे। अब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने भाग लेंगे, लेकिन ये जो होगा आपका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पहुँच जाएगा थर्ड वाले, तो आपके पास कुल मिला कितने और कितने मिल जाएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें से देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या रह जाएंगे? ये जो आपके पी ऑर्बिटल हैं, इसमें 2 ये पी ऑर्बिटल आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन वाले रह जाएंगे, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है एक पी ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा आपका पी ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बकाया ये जो एक एक बच गया sp वाला, ठीक है, sp और sp, इनने क्या करा? इनने अन्य परमाणुओं के साथ में मिलकर क्या बना लिया? ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका अगर संकरण की बात करें तो इस कार्बन का संकरण क्या आ जाएगा? आपका sp संकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sp संकरण आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल 2 ही बॉन्ड पेयर मिल रहे हैं, 9 लोन पेयर और 9 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 के लिए क्या होता है आपका? sp हो जाएगा। तो अब इसकी बात करेंगे, यानी कि ट्रिपलेट जो कार्बिन होता है, या हम कह सकते हैं त्रिकक जो कार्बिन होता है, उसमें क्या रहता है आपका जो संकरण रहता है वो कैसा रहता है? sp संकरण रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिपलेट और सिंगलेट।
देखो ट्रिपलेट में क्या कह रहा है, ट्रिपलेट कह रहा है ट्रिपलेट कार्बिन का जो sp संकरित अवस्था में होता है, ट्रिपलेट कार्बिन sp संकरित अवस्था में होता है इसके दो बंधित इलेक्ट्रॉन जोड़े इन दो sp संकरित ऑर्बिटल में होते हैं, दो बंधित इलेक्ट्रॉन जोड़े दो बंधित ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ये वाले, एक इसका होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले का कार्बन का, एक दूसरे इस वाले का, ठीक है। तो ये किस में रहेंगे, संकरित ऑर्बिटल में होता है। कह रहा है sp कार्बन में दो असंकरित p ऑर्बिटल होते हैं, जो पीछे बचे बचे हुए होते हैं दो, वो कैसे होते हैं असंकरित, यानी कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये वाले ये असंकरित होते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके बाद कह रहा है असंकरित होते हैं, कह रहा है इनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एक एक अयुग्मित, अभी आपने देखा था। कह रहा है इन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण समांतर दिशा में होते हैं, यानी कि ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, अलग एक ही सेम दिशा में। इनमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अतः ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इनमें अभी दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ सकता है एक यहाँ आ सकता है डिफरेंट, ठीक है। तो ये कैसा होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट कह रहा है इसके बनाने की विधि, यानी कि अगर हम बात करें कार्बिन की तो इसको किस तरह से बनाया जा सकता है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। मैथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने की विधि कह रहा है डाई डाई एजो मेथेन अथवा कीटीन के अपघटन से, कीटीन ले लो या डाई एजोमेथेन ले लो, कीटिन का क्या कर दो, अपघटन करवा दो, ठीक है। तो देखो ये हमने ले लिया डाई एजोमीथेन, डाई एजोमीथेन मतलब आपका एक CH2 ग्रुप लगा रहा होगा, इससे क्या लगा होगा नाइट्रोजन, CH2N2। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका कुछ इस तरह से लगा रहता है, कार्बन दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हम जानते हैं कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड बनाता है, उसके बाद भी उस पर क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है। जब ये नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाने लगता है, ठीक है, नाइट्रोजन अगर चार बॉन्ड बनाएगा तो उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और अगर कम बनाएगा तो कैसा आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज। चार बनाएगा तो पॉजिटिव और एक कम बनाएगा तो निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये चार बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड ये और दो बॉन्ड ये, चार बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा। इस वाले नाइट्रोजन पे देखो दो बॉन्ड बना रहा है तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इसका हो जाएगा क्लीवेज, ठीक है, इसका क्लीवेज, इसका क्लीवेज मतलब ये जो बॉन्ड टूटेगा, इस वाले अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड टूटेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ से ये N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH2 और इस पे ये दो इलेक्ट्रॉन, ये आपका कार्बिन बन जाएगा, क्या कहते हैं इसको कार्बिन, ये कार्बिन बन जाएगा और ये आपका नाइट्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं हम डाई एजोमेथेन के द्वारा। अगर हम बात करें कीटीन की, अगर आपने यहाँ पर कीटीन ले लिया, कीटीन होगा ये KETN, तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो इसकी बात करें कीटीन, तो इसको हम क्या करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में इसको रख दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं और क्या हो जाएगा, ये CO2 आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कार्बिन और ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से कार्बिन बन गया। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, मतलब इसको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अन्य अभिक्रियाएं, तो इसकी अभिक्रियाएं मान लो कह रहा है रिएक्शन नंबर एक, एल्केन के साथ चक्रीय यौगिक साइक्लोप्रोपेन बनता है। अगर कोई एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे कहते हैं एल्कीन, तो उनके साथ में अगर इसकी रिएक्शन कर दें हम किसकी, कार्बिन की, तो क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एल्कीन की, ये हमने ले लिया एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा दो कार्बिन के साथ में। अब देखो ये जो आपका सी डबल बॉन्ड सी लिखा है, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी आपने, ये ले लिया आपने CH2 कार्बिन। अब देखो ये जो आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर मान लो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे और बकाया दोबारा क्या होगा, दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन जाके इसी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा,
और जो कार्बन कार्बिन था इसके एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होगा, इनके बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस कार्बन पे शिफ्ट हुए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए ना, तो ये दोबारा से ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले पे आ जाएंगे, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ग्रहण किए थे इसने डबल बॉन्ड वाले, वो इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इन तीनों के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, जो कि आपका इस तरह से कुछ बन जाएगा, इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक अभिक्रिया। दूसरी अगर हम बात करें तो कह रहा है अल्फा बंध के साथ अंतर्निवेश क्रिया करता है, कैसी करता है, अंतर्निवेश मतलब इंट्रैक्शन क्रिया करता है, ठीक है। तो ये आपका कार्बिन ग्रुप लगा हुआ है कोई, जिसपे ये आपका लोन पेयर है, ये आर ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, ये आपका आर डैश सेकेंड ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जो लोन पेयर आपका इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो ये इस वाले कार्बन पे जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच प्लस की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जब बाहर हो जाएगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला जो प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या करेगा, इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए दोबारा से इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा आके, ठीक है। तो ये देख लो आप क्या हो गया, आपका योगशील कंपाउंड, ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था वो कुछ समय बाद कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए फिर से यहाँ पर आके अटैच हो गया, ठीक है। तो ये दो अभिक्रिया आप इनकी लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा हमसे कह रहा है नाइट्रिन्स, नाइट्रिन्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कार्बिन, उसी तरह से आपका सेम नाइट्रिन्स रहने वाला है, ठीक है, इसमें भी कार्बिन की तरह ही सब कुछ होता है। नाइट्रिन्स तो कह रहा है नाइट्रिन इलेक्ट्रॉन अथवा उदासीन स्पीसीज होते हैं, कैसे होते हैं, उदासीन, यानी पे पॉजिटिव और निगेटिव, यही नहीं, मतलब आपका कार्बिन भी जो होता है, कार्बिन भी आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इन पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है, केवल लोन पेयर होता है, इन पे चार्ज नहीं होता है, और बकाया आपने जो पढ़ा होगा कार्बोकैटायन कार्बनायन, इन पे आपका चार्ज रहता है, ठीक है, ये चार्ज स्पीसीज होती हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं, न्यूट्रल स्पीसीज, इन पे चार्ज नहीं रहता, केवल क्या मिलेगा आपको, लोन पेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे आपका नाइट्रिन हो या कार्बिन हो। तो ये कैसे होते हैं, उदासीन स्पीसीज होते हैं, कह रहा है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का केवल षष्टक पूरा होता है, क्या होता है, षष्टक, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे कहते हैं षष्टक। ये दो संभव रूपों में रह सकता है, निम्न दो रूपों में रह सकता है, वही आपका सिंगलेट और ट्रिपलेट, जिन्हें सिंगलेट व ट्रिपलेट कहते हैं। चलिए हम बात करें इसकी संरचना की, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहरी कोष में आपके 2.2.3 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके बाहरी कोष में कार्बन के, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कह रहा सिंगलेट नाइट्रिन में इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्म अथवा असंकरित पी ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, 2 युग्म होते हैं, या आप कह सकते हो कि असंकरित पी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, असंकरित आपको पी ऑर्बिटल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जबकि ट्रिपलेट नाइट्रिन में नाइट्रोजन sp संकरित अवस्था में होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है, नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में होता है, sp संकरित अवस्था में होता है, और कह रहा है प्रत्येक असंकरित पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें देखो प्रत्येक असंकरित ऑर्बिटल में जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, एक एक होगा, यानी कि पी के पी नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको, 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से इसमें होता क्या, इसमें देखो ये आपका एस वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2p वाला। तो कह रहा है जो ट्रिपलेट नाइट्रिन में नाइट्रोजन sp संकरित अवस्था में होता है, प्रत्येक असंकरित पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ देखो 2 आपके असंकरित पी ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, किसी अन्य परमाणु के साथ में ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ये कैसे रहेंगे आपके, अनपेयर्ड, कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड रहेंगे, और ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है ये आपके लोन पेयर के रूप में नाइट्रोजन पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है भाई यानी कि पी के दो ऑर्बिटल जो है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट रहता है, और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है थर्ड वाला वो क्या करता है, किसी अन्य परमाणु, जैसे यहाँ पर मान लो ये आर से बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड बनाने में भाग ले जाता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये अनपेयर्ड, एक ये अनपेयर्ड, ठीक है, पी ऑर्बिटल। और इसकी अगर हम बात करें सिंगलेट वाले की, तो सिंगलेट वाले में क्या होता है,
सिंगलेट वाले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, और ये आपका एक एस ऑर्बिटल होता है जिसमें कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है, इस वाले में पहुँच जाता है, ठीक है, पहले वाले पी एक्स में पहुँच गया मान लो। तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, 1 2 और एक ये पी ऑर्बिटल आपका खाली रह जाएगा एस और 2p, ये आपका एस का बन गया, ये आपका क्या बन जाएगा पी का, और एक इलेक्ट्रॉन ये रह जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये क्या रह जाएगा, एक पी ऑर्बिटल आपका खाली रह जाएगा, ठीक है, जो कि ये आपका रिक्त पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये आपका लोन पेयर बन जाएंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके इस पी ऑर्बिटल में रह जाएंगे, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये किसी अन्य परमाणु के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, जो कि यहाँ पर आर के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये इनकी कहानी होगी, यानी कि जो हमारा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिंगलेट कार्बिन होता है उसका जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें जो लास्ट वाला पी का थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो गति करके कहाँ जाता है, मतलब पी एक्स ऑर्बिटल में पहले में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा जो कि किसी अन्य परमाणु के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो बॉन्ड बना लेगा, फिर क्या बचेगा आपके पास, 2 लोन पेयर बचेंगे, कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ऐसे आपके पास ये 2 लोन पेयर बचेंगे, तो ये 2 लोन पेयर बचेंगे जिसमें से जो नाइट्रोजन है उसका संकरण अगर हम बात करें तो संकरण क्या आ जाएगा, इसका संकरण आ जाएगा sp2 पे आ जाएगा, sp2 संकरण आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगलेट। और ट्रिपलेट में भी हमने देखा था कि ट्रिपलेट में कह रहा है कि जो 2p ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, और पी का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, किसी अन्य परमाणु के साथ, जैसे कि यहाँ पर आर के साथ में बॉन्ड बना रहे, ये आर दिख रहा है आपको मेथड, तो आर के साथ में यानी कि अन्य परमाणु के साथ में वो बॉन्ड बना लेता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक ये जो लोन पेयर रहता है ये एस ऑर्बिटल का होता है। तो इस केस में जो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका जो संकरण आता है वो कैसा आता है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देखा था आपने 2 लोन पेयर, लेकिन इसमें आपका एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा अलग अलग, एक लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 बराबर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा sp आ जाएगा। तो ट्रिपलेट में आपका संकरण कैसा रहेगा sp, सिंगलेट में संकरण कैसा रहेगा आपका sp2 रहेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी नाइट्रीन। तो नाइट्रीन के बनाने की मेथड हम जानते हैं किस तरह से हम नाइट्रीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, कह रहा है बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है एसिड एजाइड के ताप या प्रकाश अपघटन पर नाइट्रीन प्राप्त होता है। कोई आप एसिड एजाइड ले लो, ठीक है, एसिड एजाइड की अगर हम बात, उसमें N2 ग्रुप लगा होगा, अगर हम इसको क्या करें ताप या प्रकाश अपघटन, ठीक है, ये प्रकाश अपघटन, इस पर अगर हम इसको रख दिया जाए या हीट करें इसको, तो क्या होगा, ये जो आपका एसिड एजाइड है, ठीक है, N2 ग्रुप लगा हुआ है किससे, किसी R से, तो इसकी हम अगर हम बात करें तो इसमें देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये 3 बना रहा है 3 बनाता है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन कैसे बाहर निकलेगा, तो नाइट्रोजन बाहर निकालने के लिए, तो ये नाइट्रोजन यहाँ से अगर बाहर निकल जाएगा मान लो इस तरह से, ये अपने इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शेयर करेगा, ठीक है, एक बॉन्ड वाले और दूसरे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आपके ये यहाँ शेयर करेगा, तभी इस पे कितने आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर पहुँच जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका नाइट्रीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा नाइट्रीन, जो अभी हमने देखा था सिंगल बॉन्ड N और 2 लोन पेयर, तो एक तो इससे बना सकते हैं, ठीक है, जल अपघटन सॉरी अपघटन करवा दो या टेम्परेचर हाई कर दो उसका, ठीक है, कोई भी एसिड एजाइड का जिसमें N2 ग्रुप लगा हुआ हो। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं कि हाइड्रोजोइक एसिड से प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रीन प्राप्त होता है। हाइड्रोजोइक एसिड ले लो आप NH3, इसको क्या कर दो आप प्रकाश की उपस्थिति में रख दो कुछ समय तक लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और एक क्या रह जाएगा NH, क्या रह जाएगा NH, जिसपे आपका 2 लोन पेयर होंगे और ये क्या हो जाएगा आपका एजीन हो जाएगा, ठीक है, या नाइट्रीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शंस, ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं देता है, तो सबसे पहली बात ये देता है कपलिंग, ठीक है, यानी कि युग्मन रिएक्शन, जुड़ना। तो युग्मन रिएक्शन किस तरह से देता है, कपलिंग रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कपलिंग रिएक्शन द्वारा एजो यौगिक बनाए जाते हैं।
एज यौगिक मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन अन्य सिंगल बॉन्ड से किसी अन्य दो परमाणु के द्वारा जोड़ा रहेगा। तो एज यौगिक अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपका ए आर नाइट्रोजन, ठीक है, ए आर नाइट्रोजन, ये सॉरी लगा हुआ ये कुछ नहीं है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर। तो ये इसके अगर हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए, दो मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल लेने के बाद ये जो लोन पेयर है ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से कुछ एजो यौगिक मिल जाएगा। ठीक है, जो लोन पेयर है वो आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे और आपको एक एजो यौगिक मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, छोड़ो बस आप यहीं पर लिख लेना, ठीक है, ये आपको मत लिखना है बहुत, ये नहीं लिखना है, ठीक है, आप यहीं तक लिख लेना, लिख देना केवल, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन तक, ठीक है। अब क्रियाओं में आपको केवल कपलिंग रिएक्शन ही लिख देनी है और बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा आता है एन एजीन, सॉरी थर्ड करा एरान या बेंजाइन, ठीक है, एरान या बेंजाइन। तो एरान या बेंजाइन की अगर हम बात करें तो ये भी एक हमारा बेंजीन की तरह ही होता है, हम कह सकते हैं बेंजीन का डेरिवेटिव है, या बेंजीन के बेंजीन में दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम कल्पना करें, मान लें कि अगर यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ये उस वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एरान बे एरोमेटिक मध्यवर्ती हैं, बे एरोमेटिक इंटरमीडिएट हैं, यानी कि कुछ समय के लिए किसी रिएक्शन से बनते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सभी इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, जो अभिक्रियाओं में कुछ समय के लिए बनते हैं और दोबारा अपना किसी दूसरे के साथ में रिएक्ट करके उत्पाद बना देते हैं, ठीक है, रिएक्शन करके। कह रहा है जिनमें एक फॉर्मल कार्बन कार्बन त्रिकबंध होता है, कैसा होता है, फॉर्मल कार्बन कार्बन त्रिकबंध, मतलब एक माना जाता है परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही कमजोर होता है और कम समय के लिए उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दो कार्बन के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, किस केस में, कार्बिन के केस में, ठीक है। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो ये किस तरह से होगी, कह रहे बेंजाइन बंध सामान्य एसिटिलीन त्रिकबंध के समान नहीं होता है। सामान्य एसिटिलीन में देखो क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, त्रिकबंध मिल जाएगा, ठीक है, ये होता है आपका एसिटिलीन, जो कि एक लीनियर होता है, जब जो मॉलिक्यूल आपका लीनियर होगा उसमें हम जानते हैं कि आपका एंगल कितना हो जाता है, 180 का एंगल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री का एंगल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके समान नहीं होता। कह रहा है बेंजोइक बंध, जो बेंजाइन बंध जो है सामान्य एसिटिलीन के त्रिकबंध के समान नहीं होता है। कह रहा है जिसमें दो कार्बन परमाणुओं की sp कक्षकों से पी सिग्मा बंध तथा शेष पी कक्षकों से पाई बंध बनाते हैं। भाई हमने देखा था, इससे पहले पढ़ा था एसिटिलीन, ठीक है, sp संकरण में, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो आपका sp बन रहा है, sp और sp, ठीक है, और बकाया जो आपके जिसमें जो कार्बन के परमाणु की जो sp कक्षकों से क्या होता है, सिग्मा बंध, और दो जो हमारे पी ऑर्बिटल बचते हैं यानी कि पी कक्षक बनते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, जो हम देख रहे थे ऊपर इस तरह से कुछ हमारे कार्बन के साथ बच रहे थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, पी ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे थे, ठीक, इस तरह से ये आपस में पाई ऑर्बिटल, ये बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई ऑर्बिटल नहीं, पाई बॉन्ड होता है, सॉरी, तो ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है, बचे हुए पी ऑर्बिटल से। नेक्स्ट कह रहा है बेंजाइन की षटकोणीय ज्यामिति के कारण एसिटिलीन संरचना संभव नहीं है। तो बेंजाइन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, ये आपको देख रहे हो षटकोणीय, ठीक है, षटकोणीय के कारण कह रहा है एसिटिलीन संरचना संभव नहीं है, यानी कि इसकी एसिटिलीन संरचना संभव नहीं है। एसिटिलीन संरचना मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो कार्बन लगा हुआ है ये बिल्कुल सीधा होना चाहता है, ये कार्बन बिल्कुल कैसा होना चाहता है, सीधा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये आप देख रहे हो कि मतलब ये थोड़ा फ्लिप हो गया, मतलब झुक गया है थोड़ा, ठीक है। कह रहा संभवतः बेंजीन का नया अतिरिक्त पाई बंध दो समीपवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 संकृत ऑर्बिटलों के पार्श्ववर्ती अति व्यापन से बनता है, यानी कि जो दूसरा हमारा पाई बंध है वो कहाँ से बनता है, ये जो sp2 संकृत ऑर्बिटल है, sp2 संकृत होता है यहाँ पर पहले sp2 संकृत, ठीक है, जब ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो ऐसा माना जाता है कि जो sp2 संकृत पी ऑर्बिटल है ये आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि ओवरलैप करने से जो हमारा एक थर्ड बॉन्ड बनता है, ठीक है, पाई बॉन्ड, वही क्या कहलाता है, उसी के कारण
व्यंजन की रचना हमें प्राप्त होती है या व्यंजन हमें प्राप्त होता है। अतिव्यापन से बनता कह रहा है जिसके अक्ष व्यंजन ऋण के तल में होते हैं, ये व्यंजन ऋण के तल में आपको इसके अक्ष माने जाते हैं या मान लेते हैं। यह बंध अस्थाई एवं दुर्बल होता है। अस्थाई मतलब बहुत कम समय के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही, कहने का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही है जो अन्य किसी परमाणु के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए ही उत्पन्न होता है, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ ये जाकर पहुँच जाएगा। अतः अतिक्रियाशील होता है और ये कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ ये झट से पहुँच जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम एजाइड के साथ, सोडियम एजाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप गर्म करते हो तो क्या बनता है, तो आपका ये आपको मिल जाता है एनिलीन। क्या मिल जाता है, एनिलीन, आपको एनिलीन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन क्रिया बेंजेन क्रिया विधि के द्वारा निम्न प्रकार होती है। जो न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन होती है मतलब न्यूक्लियोफिलिक यानी कि कोई भी ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि इसकी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे पहले से, ठीक है, वो आएगा और वो क्या करेगा, इसको हटाएगा और ये हट जाएगा, तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि जिसपे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जो इलेक्ट्रॉन लेके जाए। इलेक्ट्रॉन लेके कब जाएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तभी इसको इलेक्ट्रॉन लेके भेजेगा। जब दूसरा ऐसा होगा इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तब भी इसको बिना इलेक्ट्रॉन के भेज देगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पर क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को एक न्यूक्लियोफाइल ही हटा सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तब इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो कह रहा है इस प्रकार होती है, यह दो पक्षों में होती है। नंबर एक क्या होगा आपका, विलोपन, जिसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा क्या है आपका, योगात्मक क्रिया, ठीक है, एडिशन। तो दो क्रियाओं द्वारा होता है, एक तो एलिमिनेशन, दूसरा क्या होता है, एडिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है, विलोपन अपक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। कह रहा है एमाइड आयन NH2- प्रोटॉन का निष्कासन करके कार्बोनियम बनाता है। जो NH2- होता है वो प्रोटॉन को, मतलब प्रोटॉन को खींच देता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है और क्या बनाता है, ये बनाता है आपका कार्बोनियम आयन बनाता है, जो बाद में हैलाइड, कोई भी हैलाइड को निकाल कर बेंजाइन बना लेता है, और बाद में वो क्या करता है, एक हैलाइड लगा रहता है उसको भी निकाल देता है और आखिरकार के बन जाता है, बेंजाइन बनता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, कह रहा है एजाइड आयन द्वारा H+ आयन का विलोपन। तो ये आपका एजाइड आयन द्वारा अगर हम बात करें H+ आयन का विलोपन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में आपको ये मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो ये कौन ले जाएगा, इसको ले जाएगा एजाइड आयन। तो एजाइड आयन पहले क्या करेगा, H+ आयन को बाहर निकालेगा, ठीक है, ये ले कह रहा है एजाइड आयन द्वारा H+ आयन का विलोपन। तो ये एजाइड आयन क्या करेगा, H+ आयन का विलोपन करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, अपने साथ में ले जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आना होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा, ये NH3 बन जाएगा। यहाँ पर मान लो क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, दूसरे में कह रहा है कार्बोनियम फर्स्ट से बेंजाइन का निर्माण। अब ये जो कार्बोनियम बना हुआ है आपका, इससे बेंजाइन का निर्माण कैसे होगा, इससे बेंजाइन का निर्माण ऐसे होगा, ये जो यहाँ पर मान लो आपका क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक, अब ये जो Cl है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर पहुँच जाएगा माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जो इस तरह से हो जाएगा बेंजाइन, और यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, Cl2 आपको यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से आपका क्या बन गया, बेंजाइन बन गया। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, ये आपको कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो कि ये वाला, ठीक, ये बन गया बेंजाइन। ये तो थी एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा कह रहे योगशील क्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में मतलब कोई भी अमीन जो होगा वो जुड़ेगा और किसी को निकालेगा बाहर, तो देखते हैं कैसा। कह रहा है बेंजाइन अमाइड आयन NH2- से क्रिया करके बेंजाइन मध्यवर्ती एनायन बनाता है। तो सबसे पहले जो बेंजाइन अमाइड होगा वो NH2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट एनायन बनेगा, जो अमोनिया से अमोनिया के प्रोटॉन से क्रिया करके प्रतिस्थापन पदार्थ एनिलीन बनाता है। अब सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है,
बेंजन अमाइड, तो हमने क्या ले लिया, बेंजन अमाइड। कह रहा है बेंजन अमाइड तथा बेंजन तथा अमाइड आयन के जुड़ने से कार्बोनियम सेकंड का बनना। तो सबसे पहले हमने ले लिया बेंजन, ठीक है, और ये क्या हमारे पास अमाइड आयन। तो बेंजन अमाइड आयन से जुड़ के या क्रिया करके बेंजन मध्यवर्ती एनायन बनाता है। तो मान लो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे जुड़ेगा कब जुड़ेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तभी तो जुड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर शिफ्ट हो गए और ये क्या लग गया आपका, एन एच टू लग गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, कार्बोनियम बन गया, ठीक है। अब देखो कार्बोनियम बन गया मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब दूसरे में क्या होगा, कह रहा है कार्बोनियम सेकंड से अंतिम उत्पाद एनिलीन का बनना। अब कार्बोनियम सेकंड से एनिलीन कब बनेगा, जब यहाँ पर एन एच टू ग्रुप लग जाएगा। अब ये एन एच टू ग्रुप कब लगेगा, यहाँ पर देखो एन एच थ्री लिखा होगा, ये एन एच थ्री। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन जाएगा कहाँ, अपने इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ चला जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़ देगा, इस पे छोड़ देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका एन एच टू माइनस का, एन एच टू माइनस आपको ये यहाँ पर बन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एन एच टू लगा है और ये एन एच थ्री से आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच गया जहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, ठीक है। तो कार्बोनियम आयन से क्या बन गया, एनिलीन का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा एडिशन रिएक्शन। तो कह रहा उपर्युक्त क्रिया विधि में चरण एक चरण दो में विलोपन और चरण तीन चार में योग होता है, इसे विलोपन योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये देखो एक दो, ये फर्स्ट सेकंड है आपका विलोपन अभिक्रिया, ये फर्स्ट सेकंड और आपकी थर्ड फोर्थ, अगर हम बात करें ये थर्ड और फोर्थ, ये आपकी क्या है एडिशन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। तो आज हमने बात की थी इस वीडियो में, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कार्बीन, कार्बीन जिसमें कार्बन पे क्या रहता है एक मतलब लोन पेयर, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था नाइट्रीन, तो नाइट्रीन पे भी आपको क्या मिल रहे थे, इसकी भी दो कंडीशन थी, एक में ये था और दूसरे में क्या था, दो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और एक लोन पेयर था। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था, बेंजाइन, क्या पढ़ा था, बेंजाइन, जिसमें हम मान लेते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड की नहीं, दो कार्बन परमाणु के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें कार्बीन और नाइट्रीन और बेंजेन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही पास में लगे हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें मोटिवेट करने के लिए आप अपना प्यारा सा थंबनेल यानी कि लाइक का बटन दबा सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ फॉर्म जमा कर डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी जो है तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरह की आपको दुविधा होती है, किसी तरह का व्यवधान आता है और किसी अन्य वीडियो आप चाहते हो कि हम किसी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो लेके आएँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको भी आपका जो है डॉट क्लियर करेंगे, हम वो भी सब्जेक्ट आपको चलाएंगे, ठीक है। आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए हमारी तरफ से। तो चलिए मैं यहीं पर बंद करता हूँ, थैंक यू, जुड़े।